गाने से रातों रात स्टार बने रानू मंडल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी इस कदर बदल जाएंगी। रानू मंडल स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा गा रही थी, ऐसे में जितेंद्र चक्रवर्ती नाम के शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया, अपने सोशल पेज पर शेयर कर दिया। देखते देखते वीडियो वायरल होगा और नतीजा यही रहा कि हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म में गाना गाने का मौका दिया। हिमेश के बाद सलमान खान के भी उनकी मदद की खबर है, क्या इसके सच्चे आगे देखिए। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसी खबर वायरल हो रही है कि सलमान खान ने रानू मंडल को एक आलिशान घर दिया जिसकी कीमत 55 लाख रुपए है। यही नहीं, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म दगन 3 में रानू को गाने का मौका भी दिया। भले ही सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा है लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी नहीं है सलमान खान ने वाकई रिन्यू की मदद की है या नहीं। बता दें कि रानू पश्चिम बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर गाना गाकर गुजारा करती थी और उन्हें कईयों ने गाना गाते हुए देखा था, अक्सर लोग उन्हें अनदेखा करते थे। अब हिमेश ने उन्हें फिल्म में मौका दिया और हिमेश की अगली फिल्म हैप्पी हार्डी में वो गाना गाएंगी।